हम उनकी तरह नहीं है फोटोग्राफर जो खड़े हो जाएं घोड़े वालों की तरह, डीजे वालों की तरह, बैंड बाजों की तरह, पैसे दो, नेक दो, ये करो वो करो, नहीं। हम सबसे पहले आए हुए हैं, हम अभी खड़े हैं जहाँ इस टाइम कोई भी नहीं है, घोड़ी वाला आया हुआ है, ठीक है, अब खड़े हैं हम, और जब सुबह विदाई हो रही होगी तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कमा रहे हैं फिर, कमा रहे तो बिक गए, 10 बजे तक खड़े रहे। हेलो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज लव एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद लव। सो गाइस, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल सीरीज। क्यों? क्योंकि इन दिस सीरीज आई विल टेल यू कि फोटोग्राफर्स को क्या क्या दिक्कत आती है, फोटोग्राफर्स अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, और इस एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि हम फोटोग्राफर्स किस तरह से सब कुछ मैनेजिंग करके चलते हैं। एक दिन में जब दो दो तीन दिन इवेंट्स होते हैं और कई सारे काम्स होते हैं, कई सारी मैसिंग अप थिंग्स जो कि शायद अभी मैं खुद ना बता पाऊँ कि हम क्या क्या फेस करेंगे। एंड टुडे इज 22 नवंबर एंड हमारा फोटोग्राफी का सीज़न हो चुका है शुरू आज से, और कई लोगों का एक दो दिन पहले से होगा जिन पर छोटे इवेंट्स होंगे, बट हमारा आज से हुआ है। एंड आज अभी मैं हूँ फरीदाबाद के अंदर और इवेंट होने वाला है शुरू। इवेंट शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:30, हमें क्लाइंट ने टाइम दिया था 4 बजे का, पर हम आ गए 3 बजे, जस्ट बिकॉज हर एक फोटोग्राफर इस सीरीज में बताऊँगा कि अलग तरीके से काम करता है। कुछ फोटोग्राफर 6-6 इवेंट्स पकड़ लेते हैं, टाइम से नहीं पहुँचते। मैं किस तरह से काम करता हूँ, मेरी टीम किस तरह से काम करती है, और एक अच्छा फोटोग्राफर या फिर एक बुरा फोटोग्राफर किस तरह से काम करता है, किस तरह से थक जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ तो एक वीडियो में बताऊँगा। बट इन दिस एपिसोड पार्ट वन, इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पे कैसे शूट्स होते हैं, मैं कैसे उनको मैनेज करता हूँ, और हम कितना थक जाते हैं फोटोग्राफर्स। तो लेट्स बिगिन दिस। एंड अभी नीचे है, हल्दी का प्रोग्राम है, क्लाइंट जितने भी होते हैं मेरे अपने क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर इस सीज़न में, और सबसे मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। जैसे आज के हमारे क्लाइंट ये हैं। हेलो सर, कैसे लग रहा है आपको, आपके भाई की शादी है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलके कि आपसे मुझे काम मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा बात ना करते, अभी ज़्यादा ना बोर करते, बिकॉज वीडियो होने वाली थोड़ी सी लंबी। तो अगर वीडियो में अगर नए आए हो या चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो कोई भी मेरा फोटोग्राफर भाई इस चीज़ को देख रहा है, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, वी ऑल फोटोग्राफर्स आर डिफरेंट। हम सब बहुत तरह से काम करते हैं, हर जगह फोटोग्राफी अलग अलग होती है, फरीदाबाद में भी अलग होती है, दिल्ली तक में अलग हो जाती है, पलवल में अलग होती है, हर कोई अलग वैसे करता है। बहुत सारे हिंदुस्तान में रिचुअल्स हैं, अलग अलग 10 किलोमीटर्स में रिचुअल्स बदलते हैं, तो हर किसी का काम करने का तरीका भी बदलता है। मैं फरीदाबाद में हूँ, दिल्ली फरीदाबाद का हम काम संभालते हैं, उस तरह से हम काम करते हैं। अदरवाइज़ ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल माई फोटोग्राफर्स ब्रदर्स, लेट्स बिगिन। बस यहाँ से होती है हमारी कहानी शुरू, 22 नवंबर, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट शूट, लेट्स सी। वेट वेट वेट, एक बार स्पीच होना प्लीज सर। तो गाइस, दिस इज डे वन। क्या होता है, वेन एवर वी स्टार्ट आर सीजन ना, जब भी सीजन चालू होते हैं, भले वो नवंबर में हो, भले वो सितंबर के स्टार्टिंग में हो, कभी भी जो सीजन स्टार्ट होता है, द फर्स्ट शूट, जो शुरू शुरू के शूट होते हैं, वो तो बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक दिन दो दिन तक तो हम बिल्कुल फ्रेश अप होते हैं, असली कहानी तो जाके बाद में शुरू होती है। बट इसके साथ साथ मैं बताऊंगा क्या होता है, हम फोटोग्राफरी में ना हमारे साथ काफ़ी लोग काम करते हैं, काफ़ी लोग जैसे फरीदाबाद का इवेंट है तो दिल्ली से आते हैं, दिल्ली का वाला है तो ऐसे हमारे से एक बंदा है, उनसे बात करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे रहता है उनके साथ एक्सपीरियंस, वो सुबह कितने और कैसे क्या हुआ। मोनू भैया कितने बजे निकले थे? साढ़े बारह करेक्ट। और कितने बजे पहुँचे हो? पहुँचे 3 बजे। और ये पहुँचे 3 बजे। तो कभी मतलब मैंने भी एक्सपोजिंग करी है दिल्ली गाजियाबाद बहुत जगह की, बहुत प्रॉब्लम आती है, एक्सपोजिंग का जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस यहाँ खत्म होता है हमारा इवेंट, हाफ इवेंट अगर हम कहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है, सब कुछ यही होता है, पर कभी कभी क्या होता है, जब पूरी शादी में हर एक बंदा ना आपकी तारीफ़ करता है, दिस इज से दैट आई लव पिक्चर्स, दी वे यू टॉक एंड ऑल द थिंग्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यू नो योर वर्थ, कि जब लोग बोलते हैं कि यार मैंने कभी भी आप किसी भी फोटोग्राफर को इस तरह से बात करते हुए देखा, या किसी भी फोटोग्राफर को इस तरह से चीज़ें हैंडल करते हुए देखा, और जब मैं लोगों के रिव्यूज़ लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिगार्डिंग वीडियो, कि जब भी ना हम ये सब काम करते हैं, एक फोटोग्राफर के हाथ में होता है पोजेस बनवाना, सब कुछ हैंडल करना एंड सिचुएशन को किस तरह से चलाना है। बहुत सारे फोटोग्राफर बस ये सोचते हैं कि एक्सपोजिंग वाले जो कई बार जैसे करते हैं कि बस दिन कट जाए, बस समय निकल जाए, पर नहीं, जिसका अपना इवेंट होता है उसको पता होता है कि किस तरह से पूरा इवेंट मैनेज करना है और किस तरह से पैसे, इसमें बहुत बड़ा रोल एक पैसों का भी होता है कि आप किस तरह का फोटोग्राफर कर रहे हो और किस तरह की लेबर आपके यहाँ पे आ रही है। अगर मैं फोटोग्राफर की लाइफ की बात करूँ, फिलहाल खाते खाना एंड हम फोटोग्राफर समझे सबसे लास्ट में खाना खाते हैं, एंड अगर फिर भी आप भैया की प्लेट देखो, सिर्फ एक चीज़, क्यों भैया खाने का वेट कर रहे हो बस। तो
डू टेक केयर ऑफ फोटोग्राफर्स। इवन काफ़ी सारी मैरिजेस में मैंने अभी लाइक मेरे जो इवेंट्स हैं काफ़ी अच्छे इवेंट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हैं, लाइक जो 2 लाख के इवेंट होते हैं या फिर 1 लाख के इवेंट होते हैं वहाँ पे ये तक लोग बोल देते हैं कि खाना मत खाइएगा, अपने टीम को बोल दीजिएगा प्लेट ना ले। ऐसा भी होता है कई सारे फोटोग्राफर्स के साथ, ये सब छोटे इवेंट्स में होता है कि जहाँ हम खाना खाते हैं या फिर लोग खाना खाते हैं, कई सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ फोटोग्राफर्स दे डोंट ईट। ये हालांकि इतने मैटर वाली बात नहीं है, इतना वो कुछ नहीं है, बट फिर भी एक बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी कोई बात नहीं, बट जब लेबर काम करती है ना दे वर्क फॉर फूड। क्या होता है कि व्हेन यू आर डूइंग एक्सपोजिंग एंड व्हेन यू आर डूइंग योर ओन वर्क, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा शूट होगा उसमें बताऊँगा, बिक�ज इन द नेक्स्ट शूट ऑन द 25th of November एक्सपोजिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी फोटोग्राफर का काम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपोजिंग। और जो अपना हमारा काम होता है दैट्स आवर ओन वर्क। एंड जो लाइटमैन होता है, लाइटमैन क्या होता है अगली एपिसोड में बताता हूँ थोड़ी देर में ही आपको, जस्ट 10-5 सेकेंड आपको पता लग जाएगा। फिलहाल हमारे भैया, और भैया हेलो भैया, आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है? हाँ मैं स्कूल जाना है, ड्यूटी पे। ड्यूटी पे जाओगे, थकोगे नहीं? नहीं 24 आवर्स। ये भैया हमारे अब यहाँ से फ्री होके सीधा ड्यूटी पे जाएंगे मेहरोली। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजिंग थिंग, ठीक है? थक जाते होगे ये पूरा। ओ अब तो आप बुरी हालत होगी। हाँ, सो दे आर फ्रॉम गर्ल साइड एंड ऐसे ही एक्सपोजिंग्स होती है, ऐसे ही बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 25th के शूट पे। 25th का शूट वाज अमेजिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं लोकेशन, डेकोरेशन, एम्बियंस। भैया कैमरा देख के, ओके लुक हियर गाइस, स्माइल, या लुक हियर, नाइस स्माइल, वेट वंस अगेन, क्यों स्माइलिंग, हंसी नहीं कम ऊंची है। Completed this shoot and इस shoot के बाद हमारा next day morning में एक नया shoot होता है, चलो देखते हैं। Please all of you look here. Man smile. ये अभी हम आ चुके हैं, हाँ हमने नए shoot पे, अभी time हो रहा है 1 बज गया है। मैं वो shoot से आया था 8 बजे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा late हो गया था और 2 घंटे सो पाया, उसके बाद से मैं continue उठा पड़ा हूँ। अभी मैं बहुत super थका हूँ और इनका shoot है रात तक का। आई एम लाइक टोटली टायर्ड, मेरे को ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा। अब कल की भी शादी है, परसों भी वेडिंग है, बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है, शायद मैं वीडियो बता ना पाऊँ, बट नींद इतनी तेज आ रही है, सबको हैंडल करना है। कल भी कैंडिड करनी है और कल सब को हैंडल भी करना है, और कल घर में लेंटर भी डलने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे क्या क्या चलेगा, क्योंकि लेंटर का मेरा कोई रोल नहीं है, बट ये है कि नींद नहीं हो पाती पूरी। और भैया को भी जाना है, भैया आपको जाना है, मेट्रो पकड़ के जा रहे हो? मेट्रो है, लास्ट मेट्रो है मेरी, लास्ट मेट्रो पकड़ के जाना है भैया को घर। थ्री टू वन, धीरे से देखिए, बस रुकिए जी, भैया सीधे हो जाओ, आप सीधे, भैया आप सीधे हो जाओ। हेलो हाय गाइस एंड वेलकम बैक, टुडे इज 20th of November और आज है हमारा नया शूट। मैं बहुत थका हुआ, सुबह मॉर्निंग में पहुँच गया था मैं 7 बजे, फिर मैंने डेटा कॉपी करा सारा कुछ और चार्जिंग पे लगाया और मैं काफ़ी थक गया उस चीज़ में। लेकिन आज का शूट है, आज का शूट जो है वो है किसी क्लाइंट, किसी बंदे का। ये हमारे सर लगे हुए वीडियो बनाने में सामने, और द क्लाइंट इज़ लाइक लिटिल बिट रूड, और थोड़ा सा गाँव देहात का माहौल है। और जिसकी शादी होती ना, मैंने देखा है जैसे अपने सीरीज देखोगे, उसका नाम है पंचायत, पंचायत सीरीज में एक क्लिप है ये वाली। जब आपके पास अंदर बढ़िया वाला कुर्सी है तो फिर दूल्हा को बैठने के लिए प्लास्टिक का कुर्सी काहे के लिए दिया? तब मजाक कर रहा है क्या यहाँ पे? तब ये चल रहा है और का। तो इस क्लिप में यही होता है कि भाई हम दूल्हे राजा हैं, हम इस कुर्सी में कैसे बैठते हैं। तो बहुत जगह ऐसे ही होता है, बहुत सारी जगह, और कई सारी सीरीज इस में, ये बात तो नहीं करनी चाहिए, मैं बता दूँ बहुत सारी सीरीज, जैसे कि आश्रम सीजन 1 ओनली और अनदेखी सीजन, असुर थोड़ी सी मैथोलॉजी पे है। ये सब सीरीज़ में ना बहुत सारी रियलिटी दिखा रही है, स्पेशली अनदेखी सीरीज़, जिसने अनदेखी नहीं देखी देखना जरूर, बहुत बहुत अच्छी सीरीज़ है, उसमें फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है कि और गाँवों में क्या होता है। और ये सीरीज़ जो बनती है ना, सब रियलिटी बेसिस पे बनती हैं, जो लाइफ में सच में होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं फोटोग्राफर्स की लाइफ की, अभी फिलहाल पता नहीं क्या फ्लो जाता है, अगर ये मेरे से अच्छे से बोलें, अच्छे से काम हो तो मैं भी खुश हूँ, बढ़िया तरीके से उनका काम करूँ। अब दे वो लाइक खैच नहीं है, खैच नहीं तो मत खैच,
तो भाई नहीं खींचेंगे, हमारे घर में फोटो नहीं लगनी, आपके घर लगनी है। अच्छे से बोलोगे तो हम आपका काम और अच्छे से करेंगे, नहीं बोलोगे तो हमने सिर्फ काम करना है यहाँ भी और कहीं और भी, हम काम करके चले जाएंगे। दैट्स अ बिटर ट्रूथ बट यही सच है। काम खींचने के बाद क्या होता है, जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कोई कॉलोनी के क्लाइंट हो गए, वो हो गए, उनको डेटा नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ ना बहुत सारी तरह के क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, उनको सिर्फ अपनी शादी में फोटोग्राफर ही दिखाना होता है। कई सारे तरह से भी होते हैं कि भाई फोटोग्राफरी हो रही है, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं करना, एडवांस दिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन काम पकड़ रखा है, एक्सपोजिंग पकड़ ली लोग ऑनलाइन, कहीं भी इवेंट से, वेडमी गुड से, वेडमी शादी सागर से, वेडिंग वायर से हमने काम पकड़ लिया। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि आगे काम दे दिया हम जैसों को या किसी भी एक्सपोजर को, उसको क्या करा, काम खिंचवाया, उससे चिप नहीं ली, उसको बोल दिया अपने चिप में काम खींचे, जब काम उठाएंगे तब पैसे देंगे। ऐसे क्या होता है, वो बंदा आप जो क्लाइंट है वो भी फुद्दू बना रहा है, और जो जिसका काम है वो भी फुद्दू बना रहा है, जो पिस कौन रहा है, जो काम कर रहा है, जो काम खींच रहा है, दी एक्सपोजर दी फोटोग्राफर। क्योंकि क्यों, क्योंकि क्लाइंट ने काम उठाने नहीं है, दूसरे बंदे ने पैसे देने नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम ना चिप ले लेते हैं, चिप लेके क्या करते हैं, वही डील है कि सुबह अपना चिप लो और अपना पैसे दो, या फिर एक दिन पहले ही पेमेंट ले लेते हैं पूरी की पूरी, बिकॉज अगले दिन का जमा लेना चाहिए भाई, क्योंकि शादी में भी ऐसा होता है, बहुत लोग कहते हैं अभी ले लेना, फेरों के बाद लेना पैसे, पैसे अब लेना। हम उनकी तरह नहीं है फोटोग्राफर जो खड़े हो जाएँ, घोड़े वालों की तरह, डीजे वालों की तरह, बैंड बाजों की तरह, पैसे दो, नेक दो, ये करो वो करो, नहीं, हम सबसे पहले आए हुए हैं, हम अभी खड़े हैं जहाँ इस टाइम कोई भी नहीं है, घोड़ी वाला आया हुआ है, ठीक है, अब खड़े हैं हम, और जब सुबह विदाई हो रही होगी तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम फोटोग्राफर हैं, हमारा काम सबसे पहले शुरू होता है, सबसे एंड में ख़त्म होता है। फिर भी आप अगर कोई ऐसा बिहेव करता है तो भाई अपने लिए गलत कर रहे हो, आपका काम ख़राब हो सकता है, हमने तो काम खींच के चले जाना है। और अगर आपकी लेवर ऐसी है कि बस बिल्कुल ही दिहाड़ी टाइप की, कैमरे पकड़े खड़े होने वाली, तो भाई वो तो फिर आप कोई अच्छा काम नहीं करा रहे, आपको जो बस चाहिए वही करवा रहे हो। तो दैट्स इट, ज़्यादा बात नहीं करता, इस क्लिप में ज़्यादा लंबी बात होगी, बोर हो गए, 4 मिनट की क्लिप हो गई है। बाय बाय, अभी काम शुरू होने वाला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो गाइस होता क्या है, इस वेडिंग में यहाँ हो जाती है लड़ाई। किसकी लड़ाई हो जाती है, जो बराती होते हैं और ये जो उठाने वाले होते हैं, इनको जो बोलते हैं बैंड वाले एंड ऑल, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होती क्यों है, बिकॉज ये जो होते हैं बैंड वाले, इनका भी अब टाइम स्लॉट होता है, जैसे 6 से 8, 8 से 10, 2 घंटे का फिक्स टाइम स्लॉट होता है। एंड बराती हो गए थे लेट एज यूजुअल, तो इन्होंने जल्दी जल्दी अब बैंड बाजा अपना तेज भगाने लग गए थे, इस बात पर इनकी लड़ाई हो गई और इन सब लोगों ने एज यूजुअल कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी कर दी। तो यूजुअली शादीज़ में भी इन तरह के लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। एंड इन सब से बचने के लिए आप सबको बस एक पंचुअलिटी से काम करना होता है, आपको एक टाइम से एक बंदा जो चीज़ें मैनेज करे घर में बड़ा, वो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। सो गाइज, अबाउट दैट वेडिंग, उस वेडिंग में क्या होता है कि व्हेन आई गो टू द प्लेस, जब कोई भी ग्रूम हो या फिर कोई भी हो तो घर के परिवार से, आई यूज्ड टू डू ग्रीटिंग्स। एंड कई लोग ऐसे होते हैं काफ़ी सारे ना एटीट्यूड में होते, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में होते और सही से बात नहीं करते, तो इट वॉज जस्ट लाइक तुम अपना ही घाटा करवा रहे हो, हमारा कुछ नहीं कर रहे, अगर अच्छे से बोलोगे तो अच्छे से होगा, दैट्स इट। तो गाइज ये सब तो होगी ओवरऑल बात फर्स्ट एपिसोड में कि अंडर 1 लाख की जो जो इवेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इसके साथ से पहले आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क होता है एक लाइटमैन में, एक एक्सपोजर में और एक अपने क्लाइंट होने में। सो गाइज, फर्स्ट थिंग जो होते हैं हमारे लाइटमैन्स, लाइटमैन्स कौन होते हैं, जो लाइट पकड़ते हैं, वायर अरेंज करते हैं, लाइट देते हैं, उन सबको लाइटमैन्स कहते हैं। लाइटमैन्स मिलने इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लाइक मेरी जो फर्स्ट बुकिंग थी 22 की और जो 24 की थी, उन सब में लाइटमैन्स नहीं थे, जबकि मैंने बुक कर रखे थे, बिकॉज लाइटमैन्स जो होते हैं ना वो बहुत बेसिक लाइक लेवल के होते हैं, और हर कोई चाहता है कि मैं जब सुबह से लेकर 8-10-12 घंटे खड़ा हूँ ना, तो मुझे कम से कम 5,000-10,000 मिलने चाहिए, और लाइटमैन्स को नहीं मिलते। इसलिए लाइटमैन ना सबसे बेसिक लेवल के लोग होते हैं इस लाइन में, और लाइक कभी भी एकदम से मना कर देते हैं कि हम वेडिंग पे नहीं आ रहे, और फोटोग्राफर्स को इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक्सपोजर, एक्सपोजर्स क्या होते हैं, जैसे इफ़ आई हैव अ इवेंट और जो मेरे साथ काम कर रहा होगा उसको मैंने अपनी शूट दे रखा है, उसको एक्सपोजिंग बोलती है, कि मैंने अपना शूट किसी और को दे रखा है और या मैं किसी और का शूट कर रहा हूं, तो मैं एक्सपोजर हो गया, उसको कहते हैं एक्सपोजिंग करना, किसी और का काम करना। एक्सपोजिंग में भी 1,000 तरह की मुसीबतें आती हैं। आई यूज़ टू डू एक्सपोजिंग, मतलब इस साल मैंने सारा अपना सीजन करा, इससे पहले मैं सिर्फ एक्सपोजिंग करता था। एक्सपोजिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बिकॉज इवेंट खत्म हो जाता है, लोग पैसे नहीं देते, और बहुत ज़्यादा लोग कई सारे पंगे करते हैं, लोग कहते हैं कि आज काम खींच लो, जब खत्म हो जाएगा, जब मुझे काम चाहिए तब पैसे दूंगा, और बहुत सारे लोग उसमें पैसे नहीं देते थे लाइन। मेरे साथ तो खैर ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज मैं शुरू से ही स्टिकली करके चलता हूँ, पर बहुत सारे एक्सपोजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एक्सपोजर जैसे अभी मेरे साथ था, बंदा सुबह 12 बजे निकला घर से, 3 बजे तक फरीदाबाद पहुंचा है, उसके बाद वो अगले दिन 7 बजे फ्री हो रहा है और सुबह 10 बजे तक अपने घर वापस पहुंच रहा है। तो सोचो यार, इंसान की जान निकल जाएगी अगर कोई नॉर्मल आदमी फोटोग्राफी काम शुरू कर देगा ना। मैंने कई सारे लोगों के रिव्यू लेकर रखे थे,
अगर कोई नॉर्मल आदमी करेगा ना, 3 दिन में बेड पे पड़ जाएगा वो, इतना ज़्यादा फोटोग्राफर काम करते, इतना ज़्यादा टेंशन होती है। एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कभी फोटोग्राफरी के बारे में जानना हो ना, या फिर किसी कभी प्रॉब्लम समझनी हो, जस्ट 4 दिन ना सोना मत, सोने के बाद जब 5वें दिन भी आप काम पर जाओगे ना, तब देखना हम फोटोग्राफर्स की उस सीज़न में वबली हाल होती है। उसके बावजूद हम लोगों को कहते हैं सर प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ सर ये वो, उसके बाद भी हमें अपना माइंड सेट सही करना होता है, जबकि वो सबसे मुश्किल काम होता है। व्हेन यू हैव मेंटली नॉट ओके, यू कांट टॉक विद पीपल, यू कांट लाइक डू द कन्वर्सेशन एंड ऑल। चलो ये सब तो बात होगी कि एक्सपोजर्स क्या क्या होती है। इसके अलावा आता है क्लाइंट्स, क्लाइंट्स जो जैसे जो मैं काम करता हूँ, मेरे साथ कई सारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे लोग हैं, मुझे तो भगवान की मेरे शायद आशीर्वाद है कि काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और कुछ एक दो अगर बेकार ही मिलते तो 4-5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। पर क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब आप खुद अपने क्लाइंट्स भी लेते हो, और क्लाइंट्स के अलावा मुझे लगता था कि जब एक्सपोजिंग होती है ना, कोई एक्सपोजिंग कर रहा है, एक्सपोजिंग क्या होती है, जिस दिन इवेंट खत्म हुआ हेडेक खत्म, सारा कुछ खत्म। और जब आप अपने क्लाइंट्स बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जिस दिन आपका शूट खत्म होगा उस दिन तो असली मुसीबतें शुरू होंगी, बिकॉज शूट के दिन तो आई एम जस्ट वॉकिंग, आई एम जस्ट मैनेजिंग थिंग्स, पर उसके बाद क्लाइंट से डील करना वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। इस एपिसोड में मैंने बताया कि 1 लाख के अंडर अगर कोई भी शूट्स होते हैं तो किस तरह के होते हैं, काफ़ी सारे जो 1 लाख के अंडर शूट्स होते हैं, बेसिक शूट होते हैं, एक एवरेज शूट होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सब भी बताऊंगा कि जो बड़े शूट्स होते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख के, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब तो बातें जो हो रही है सब होती है 1 लाख के अंडर शूट्स में। अब इन 1 लाख के अंडर शूट में ना कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये तो खैर होगी शहर की बात, जब फरीदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, या थोड़ा सा और आसपास का एरिया हो गया, पर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग ना जो होते हैं फ्री होते हैं बिल्कुल घर से, विलेज जो कहते हैं ना, मतलब सुबह अगर 6 बजे तक विदाई, कई हिंदू रिचुअल्स में कहते हैं 6 बजे विदाई होती है, पर कोई नहीं सुनता, हमारे में यूं ही चला करे, सब यूं बोल के चलाते हैं कहानी को। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद आर रिचुअल्स एंड ऑल द रिलीजन्स, बट अगर उसमें मैं आपको सही से बताऊँ तो क्या होता है कि औरतें जो होती हैं, अभी आप एक क्लिप देखना, ये क्लिप देखो क्या कह रहे हो, सुनाई दिया मुझे जी, कह रहा है पापा जी वीडियो बना रहे, जाके पैसा लाएंगे, अब अंत बनाएगा तो अंत लेंगे, तो अपना कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर कमा रहे तो बिक गए, 10 बजे तक खड़ रहे हैं कमा रहे, तो हैं कमा रहे तो 3 दिन तक यही खड़ रहे हैं एक पैर पे, बताओ कमा कितना रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपने बुलाया फोटोग्राफर, पता होती है टाइम लिखते हैं कागज पे कि जी इतने बजे फ्री करोगे हमें, अलीगढ़ पलवल साइड में अलग कहानी चलती, डबल पैसे लेते हैं वहाँ, बस ये थोड़ी समझने की बात है, समझो आप घर की लेडीज हो, आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर सुबह सो जाना है, जिसने सुबह ड्यूटी जाना होता है ना अगर आदमी ने, उसको भी चिंता होती है सुबह की। सो यू वॉच दैट क्लिप, इस क्लिप में क्या था कि लेडीज कह रही थी, हमने कहा था सर हमें अगले शूट पे जाना है, हमारे 8 बजे 9 बजे नया शूट है, बैटरी भी चार्ज करनी होती है और भी चीज़ें होती है, एंड शी वॉज लाइक हमारा क्या जा रहा है, हमें तो खाली बैठना ही है। तो गाइज आप खाली बैठो ना, आप पूरा दिन खाली बैठो, किसने आपको मना करा, बट जो अगला आदमी है वो बिक नहीं गया, वो 6 बजे के बाद दूसरे शूट पर जाएगा, उसको अगला शूट भी करना है अपना, इसलिए अब जो मैं भी शूट करता हूँ वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शूट होते हैं कि इस टाइम आएंगे इस टाइम जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट ने दे रखा होता है 2 बजे का टाइम, क्लाइंट कहता है अरे यार लव थोड़ा सा जल्दी कर लेना यार, 11 बजे आ जा, 12 बजे आ जा, हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम खाली होंगे, हम एडजस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे। पर जो सीजन का पीक टाइम होता है ना, मेरे को तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे सब बात समझते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत सारे फोटोग्राफर्स, इवन 80% ऑफ फोटोग्राफर्स डोंट नो अबाउट दिस, कि अबाउट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क। और क्या होता है लोग ना अपना खुद खराब करें, लोगों को क्रॉप सेंसर के बारे में, फुल फ्रेम कैमराज के बारे में, एक्सपीरियंस फोटोग्राफर, एक नॉन एक्सपीरियंस फोटोग्राफर, इन सब के बारे में नहीं पता। आई नो दैट आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट दिस, बट बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार में शूट कर रहे हैं, आई वॉज लाइक कि क्यों क्या कर रहे हैं लोग, और अपना खुद इवेंट खराब करवा रहे हैं अपने हाथों से, और कभी कभी कुछ समझ नहीं आती कि चल जो है यही है। और कई सारे लोग खुद ऐसे मिलते हैं कि यार हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ, बहुत सारे लोगों को सिर्फ फोटोग्राफर दिखाना होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं काम करवाते हैं साल साल भर, 2-2 साल एल्बम पड़ी रहती है कोई नहीं उठाता, ये सब जो होगी जो हम काम करते हैं उस वाली बात। खैर काफ़ी कुछ बता दिया इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में और भी बातें बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, अभी बहुत कुछ आना बाकी है कि क्लाइंट्स कैसे पेमेंट्स के लिए तंग करते हैं, किस किस एंगल से शूट नहीं होता, बहुत कुछ आने वाला है अगले सीरीज में। आई एम जस्ट गेटिंग टाइम, एंड वेन एवर आई गेट टाइम मैं पक्का वो वीडियो बना के अपलोड करूंगा। एंड अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सून आई नो कि ट्रैवलिंग सीरीज पॉज पे है, एंड दिस विल कम बैक इन अ गुड टाइम। Till then, take care, goodbye, keep traveling, love each other, and don't trust anybody. Goodbye. Guys, I hope so. आपको फर्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड सेकंड एपिसोड इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। यू विल सी बिग वेडिंग्स, बिग इवेंट्स, जिसमें हमने ओबेरॉय हो गया, रोजेला हो गया, या फिर और कई सारे इवेंट्स को और काफ़ी बड़ी बड़ी वेडिंग्स को कवर कर रखा है। उसमें भी एक प्रॉब्लम्स आती है, अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वो भी देखेंगे। निकल गया भाई, पहुँच गया, मैं 2 मिनट में आ गया, मैं थोड़ा आ गया था, मैं वापस आ रहा हूँ।